तो बढ़ते हैं आगे। प्रतला के विधायक टिकचंद शर्मा के गांव बुखारपुर में पहुंचने पर ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। वहीं विधायक टिकचंद शर्मा ने ग्रामीणों की रखी गई सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन भी दिया और कहा कि जल्द ही हरियाणा रोडवेज की बस यहां शुरू की जाएगी, जिससे लोगों को आवागमन में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने करीब 52 लाख रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन किया है और लोगों को समर्पित कर दिया है। उन्होंने अपने बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि आगामी 30 तारीख की रैली में वे बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। अगर उनको बीजेपी में जाना है तो वे घर में रहकर शामिल नहीं होंगे, बल्कि एक बड़ी रैली का आयोजन करेंगे और सभी जनता के साथ ही जाएंगे। इस प्रांगण में हम बैठे हैं, जो आप देख रहे हो कम्युनिटी सेंटर, एक भव्य कम्युनिटी सेंटर में कहूंगा इसको, वो आपको बनके तैयार है, गांव को समर्पित किया है। एक इसी तरीके से 30 लाख की लागत से व्यायामशाला यहाँ बनी है, उसको भी इनको उद्घाटन करके समर्पित करेंगे। इसके अलावा यहाँ शमशान घाट का एक वो था बाउंड्री वॉल वगैरह, वो भी लगभग 52 लाख के विकास कार्यों का यहाँ उद्घाटन किया है। कुछ और भी मांगे रखी है गांव वालों ने सामने? मेरे सामने जो मांगे रखेंगे उनमें हमने देखा हुआ है, एक कम्युनिटी सेंटर है, इनको स्कूल कास्ट का वो हम देख करके जाएंगे आज। इसके अतिरिक्त यहाँ जो है चाहे शिवधाम के स्कीम के तहत हम शमशान घाट का रास्ता है, चाहे टिकाऊ रोड तक का इनका एक परले साइड में कोने में वहाँ से रास्ता है, उसको हम पूरा करवाएंगे। एक यहाँ विशेष रूप से जो हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य है, यहाँ जो खेल स्टेडियम माननीय मुख्यमंत्री जी के अनाउंस किया हुआ है, उसका भी जल्दी मैं करके इसको करवा दूँ।